अल्लाम आलम अरवाह से मुतक कुछ सवाल के जवाब आज हम देंगे और आलम बरजक से मुतल कुछ सवाल के जवाब अलाम बरत से में पूछे जाने वाले सवाल में से एक फहरिस्त है उन सवालों की कि क्या शोहर को बीवी के अमाल की खबर होती है बीवी को शोहर के क्या माँ बाप को औलाद के औलाद को माँ बाप के दादा दादी नाना नानी चाचा और मुख्तलफ और रिश्तेदार इन सब को भी हमारे अमाल की खबर होती है या नहीं या सिर्फ माँ बाप को होती है इस तरह क्या औलाद भी जानती है कि माँ बाप पीछे दुनिया में क्या कर रहे हैं अगर औलाद का पहले इंतकाल हो जाए इन तमाम सवाल एक तरफ रखकर आपके सामने कुछ हदीसें मुबारक रखते हैं और वहाँ से आपके सवाल आपको मिल जाएंगे पहले स्टार्ट करते हैं बार बार बताया अलग अलग लोग हैं इमाम तिरमिजी जामिया तिरमिजी वाले हैं नवादर वाले हैं तो हकीम तिरमिजी नवादर में हजरत अनस रजी अल्लाह से रिवायत बयान करते हैं कि हजूर सल काम हो तो खुश होते और अगर बुरा काम होता है तो वो अफसरदा और गमगीन होते और दुआ करते हैं कि इनको मौत न देना यहाँ तक के इनको हमारी तरह हिदायत न दे मजमाऊ जवायद की ये रिवायत है हकीम नवाद में भी इसको रिवायत करते हैं मजमाऊ जवायद में भी रिवायत आती है जल्दों में अबू दाऊद अब से रिवायत करते हैं मुस्त तैलासी में हदीस 1794 के तहत तहत उमाल में भी रिवायत आती है आ, फ, आ थ्री थाउजेंड ट्वेंटी तहत ठीक होगी बात अच्छा अब आ जाए इसके अंदर जो अल्फाज इस्तेमाल हुए उन पर जरा गौर कर लेते हैं एक तरफ तो क्या फरमाया इस रिवायत में कि उसके अजीज व अब अजीज व के अंदर जो जो शामिल है उन सबके ऊपर पेश किए जाते हैं अगर आपको अजीज व की डेफिनेशन पता है तो आपको इसके बारे में भी हदीस समझ में आ जाए अच्छा वहां पर इंसान की खुशी और गमी इस बात से नहीं है कि पीछे मेरे बच्चों का क्या होगा पीछे किसकी जॉब लग गई है पीछे बीवी क्या करती होगी कहीं शोहर ने दूसरी शादी तो नहीं कर ली इन चीजों में उनकी खुशी या गम है ही नहीं उनका खुशी और गम जुड़ा है आपके अमाल से अगर आपके अमल अच्छे हैं तो वो वहां खुश होते हैं। और अगर आपके अमल बुरे हैं तो वो वहां अफसरदा होते समझ आई बात तो ये इन ये जो दुनियावी फीलिंग्स है ना इससे वो बहुत आगे निकल गए होते हैं उनके सामने जिंदगी की हकीकत खुल गई होती है उनके यहाँ जिंदगी की हकीकत खुल गई होती है कि फलाह आमाल साल में है और बर्बादी आमाले सयाह में है गुनाहों में बर्बादी है नेकियों में फला है कामयाबी है तो नेकी का काम करोगे तो फिर वो उसके अंदर उनसे नफ्स अलग हो जाता है ना वो नफ्स अलग हो जाता है तो वो नफ्स के एतबार से नहीं सोचते दुनिया के एतबार से नहीं सोचते फिर वो वहां दुआ भी करते हैं कि अल्लाह तो इनको मौत ना देना यहाँ तक कि इनको हमारी तरह हिदायत ना दे तो मालूम यह हुआ कि ये नेक लोगों की अरवाह के मुतालिक बात हो रही क्योंकि वही तो हिदायत याफ्ता है ना जो अजाब में है वो उनको वो तो खुद अजाब में है वो थोड़ी कहेंगे कि जिस तरह जब तक इनको हमारे

अमाल पेश किए जाते तो सारी उम्मत के अमाल हुजूर की बारगाह में पेश हो रहे हैं और माँ बाप के सामने भी पेश किए जाते हैं ठीक होगी बात तो ये तीन कैटेगरीज हो गई अल्लाह जवाजल की बारगाह में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि पाकम की बारगाह में माँ बाप की बारगाह के, 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 सामने पेश होते और साथ साथ मरने वालों को अपने रिश्तेदारों के अच्छे कामों से बड़ी खुशी होती है और मुसरत से उनके चेहरे दमक उठते हैं अच्छे काम जब वहां मिलते हैं तो खुशी उसी चीज पे है अच्छे काम तो मरने वालों को अपने रिश्तेदारों का यहाँ पे जो स्टे, स्टेटमेंट आई है ना रिवायत में तो क्या मतलब हुआ इसका कि वहां जो रिश्तेदार चले गए ना आपके उनको आपके अमाल की खबर हो जाती है वहां। अच्छे अमल देखते हैं तो खुशी करते हैं मुसरत से उनके चेहरे दवा उठते हैं तो क्या फरमाया मेरे प्यारे नबी ने तो ए अल्लाह के बंदों अपने फौज शुदा अजीजों को अपने बुरे कामों से ईजा और तकलीफ ना दो तो अगर ये ऐसी बात होती कि वहां सिर्फ सटन लोगों को बात पहुंचती है और लोगों को बात ही ना पहुंचती तो सिर्फ रिश्तेदारों का जिक्र ना होता अजीजों का जिक्र ना होता गिने चुने अलकाबात होते कि भी अपने बाप को या अपनी माँ को ना तकलीफ दो अजीजों की बात हो रही है और ये रिवायत सुनने में दाऊद में आती है हदीस टू फोर वन नाइन मुस्त इमाम अहमद में आती है इसकी जिल्द नंबर पांच में भी और जिल्द नंबर दो में भी और इमाम बहकी भी इसे रिवायत करते हैं और इसी तरह इमाम तैलासी भी इसे इससे तैलासी में हदीस सिक्स के तहत रिवायत करते हैं अच्छा आ जाए इमाम सालबी की तरफ वो हजरत अबू हुरार रजी अल्लाह तु से रिवायत लाते हैं कि हजूर सल्ला ने फरमाया कि जब में से कोई शख्स फौत होता है तो तमाम रूहें अपने मरने वाले रिश्तेदारों और अजीजों की रूहों के पास आती हैं फिर वो रूहें आपस में एक दूसरे से कहती हैं इसको आराम करने दो क्योंकि दुनिया में तकलीफ में था तो क्या मालूम हुआ तो तुम्हारी रूहें अपने मरने वाले रिश्तेदारों और अजीजों की रूहों के पास आती तो दोनों कैटेगरीज यहां डिफाइन की गई रिश्तेदारों की कैटेगरी भी डिफाइन की गई और अजीजों की कैटेगरी भी डिफाइन की गई वो लोग जो तुम्हारे प्यारे थे पर तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं होता उनका मिसाल के तौर पे किसी का फोपा हो गया किसी का खालू हो गया किसी की मामी हो गई किसी की चाची ताई हो गई रिश्ता तो है लेकिन उस तरह का नहीं है ना कोई इस तरह का रिश्ता नहीं है इसी तरह बहरहाल फिर वो, वो रूहें आपस में एक दूसरे से कहती है बात करती हैं गुफ्त शनीद करती है यानी रूहों में एहसास भी है बातचीत भी करती है कॉम्प्रीहेंड भी करती है प्रोसेस भी करती है वो तमाम चीजें जो इंसान की अंदर उसकी अंदर मौजूद है उसकी रूह के अंदर भी है फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिक्र फरमाया कि बाद में फिर रूहें इस नई आने वाली रूह से दुनिया वालों के हाल अहवाल पूछती हैं कि फला का क्या हुआ फला औरत ने क्या किया वो सारे तो इसका मतलब है कि वहां पर रहते हुए उन्हें यहाँ की जिंदगी भूल नहीं जाते वो जब तक वो तमाम लोग जिनको वो जानते थे वो आलम बरजख में उनके मुताल उन्हें खबर नहीं हो जाती ना तब तक, तक वो पूछते रहते हैं यहाँ तक कि उनकी फहरिस्त में तमाम नाम या तो बरजख में उनके पास आ जाए या उन्हें खबर हो जाए कि भाई वो जहन्नम में चले गए मतलब वो बरजख में अजाब में चले गए उसके बाद तो पूछना बनता नहीं क्योंकि उनकी फहरिस्त तो खत्म हो गई लेकिन जब तक उनके पास लिस्ट है फहरिस्त है तो वो पूछते रहते हैं ठीक होगी बात तो वो आने वाले से सब हाल अहवाल पूछते हैं अच्छा आगे सुने हाल अहवाल पूछ लिए अगर वो अच्छे काम का जिक्र करे तो उनको खुशी हो और अगर वो बुरे काम का जिक्र करे तो दुआ करती हैं वो रूहें है, अल्लाह इसकी मफफरत फरमा दे समझ आई बात अच्छा शोहर का पीछे दूसरी शादी कर लेना बुरा काम है शरीयत के मनाफी काम है को हराम काम है या बीवी का दोबारा निकाह कर लेना किसी और से कोई गुनाह का काम है बुरी बात है नहीं है ना तो फिर हमने दुनिया में हिंदुआना रस्मों से जो चीजें ले ली हैं, उन्हें हम समझते हैं बरसक में भी वो यही सोच रही होगी अये मेरे शोहर ने दूसरी शादी कर ली शौकन ले आया उन्हें मेरी बीवी बड़ी बेवफा निकली दूसरी शादी कर ली है मेरे नाम पे ना बैठी इस तरह के ख्याल हमें दुनिया वाले दुनियादार इस तरह सोच सकता है वालों के ये इस बात के तकलीफ होती है कि हमारे पीछे, हमारी औलाद जायदाद पे लड़ पड़ी हमारे बेटों ने हमारी बेटियों का हक मार लिया हमारी बेटियां आपस में एक दूसरे से बात नहीं करती हमारी औलाद आपस में लड़ती है ये हमारे फला बेटा जो है वो इस्लाम से दूर हो गया है हमारा फला बेटा जो है वो मुर्तद हो गया है हमारी बेटी कादियानी हो गई है हमारे बेटे तो इस ड्रग्स में पड़ गए हैं सिगरेटें पी रहे हैं अयाशियों में पड़े जिना में पड़े नमाजें पढ़नी छोड़ दी हैं इन बातों से उन्हें तकलीफ होती है कि दीन छोड़ दिया गुनाहों में पड़ गए हैं अच्छा वो पूछते हैं आगे ये भी हदीस में आता है वो रूहें ये भी पूछती है भाई फला लड़के की शादी हो गई अच्छा फला लड़के का लड़की का ब्याह हो गया यानी वहां जाकर उन्हें ये सवालत याद होते भाई मेरा बेटा था उसकी शादी नहीं हुई थी उसकी हो गई शादी अच्छा फला की लड़की रह, मेरी फला भतीजी रह गई थी उसकी शादी हो गई भांजी की शादी हो गई वो शादी ब्याह के सवाल भी पूछते हैं उन्हें गम नहीं लाहक होता ये नहीं कि वो उस गम में बैठे हाय ना, ना, वो पूछते हैं क्योंकि वो याद रखा होता है खुशी क्या है कि उनके पीछे रहना, रह जाने वाले अजीज नेकी का काम करते हैं या गुना करते हैं नेकी करते हैं तो खुशी है गुना करते हैं तो गम ये एक क्राइटेरिया है उनके पास बाकी सवाल उनके इंफॉर्मेशन के लिए क्योंकि जैसे दुनिया में एक शख्स इंफॉर्मेशन लेता है किसी ऐसे शख्स से जो किसी और जगह से आया हो और वहां उस शख्स के कोई जानने वाले रहते हो तो उससे पूछता फला का क्या हाल फला वही कैफियत वहां है समझ और फरमाया मेरे नबी ने कि वो इससे इस मर्द के मुताल सवाल करती हैं जो इनसे पहले फौत हो चुका होता है तो ये शख्स कहता है भाई वो तो मुझसे पहले मर गया क्या वो अभी तक तुम्हारे पास नहीं आया वो कहते नहीं आया तो वो अरवा फिर कहती है नहीं बखुदा फिर इन्ना राजा उन पढ़ और कहते हैं कि इसको तो इसकी माँ हाविया की तरफ ले जाया गया है यानी इसके असल ठिकाने और हाविया क्या ही बुरी माँ है और वो भी कितना बुरा है जो इसकी गोद में गया है यहां तक कि वो इससे घर की बिल्ली तक के बारे में पूछती घर की बिल्ली के बारे में भी और यानी कि कहने का मकसद ये है कि वो घर इतनी तफसीलात उससे वो पूछती है अरवा जैसे बिल्ली इज अ पेट राइट पेट्स के बारे में भी पूछ हमारा फला तोता था उसका क्या हुआ अच्छा हमारे यहां तो बिजली गैस पानी का मसला था वो हल हुआ कि नहीं अरे हमारे यहाँ ये मसला वो मसला घर का फला फना काम अधूरा छोड़ आए थे उसका वो अधन के लिए पूछते हैं उन्हें गम नहीं लाक होता कोई बस कोई बस एक आया है बंदा वहां से तो कोई खबर लाया अब लोग सवाल करते हैं कि आप तो एक रिवायत में कहते हैं कि उन्हें तुम्हारे अमाल पेश होते हैं तो फिर आने वाली रूह से क्यों पूछते हैं आने वाली रूह उन्हें अमाल नहीं है सिर्फ बता रही आपके हाल बता रही उन्हें अमाल पेश हो रहे हैं कि तुम्हारा बेटा नमाजी हो गया है अमल है ना तुम्हारा बेटा जो है वो गुना गांव में पड़ गया है ये अमल है लेकिन यहाँ वो पूछ रहे हैं कि हाल क्या है हालात क्या है मामला कैसे हैं अब मिसाल के तौर पे अब बिल्ली का घर में होना या मर जाना या बिल्ली के बच्चे दे देना या तोतों की तादाद का बढ़ जाना या तोते का मर जाना बहरहाल जो मामले हों ये अमाल नहीं है ना ये ये अहवाल है किसी का शादी हो जाना या नहीं हो जाना अजीजोंब के अलावा भी तो लोग होते हैं ना जिनको आप जानते हैं यहाँ तो अजीजों की आपको अमाल की खबर हो रही है अहवाल की ना अजीजों की और गैर के तो अमाल की खबर है ना अहवाल की खबर है तो दुनिया वालों के अहवाल पूछते हैं वो आमाल नहीं पूछते हाल पूछते हैं समझ आई बात आपको ये रिवायत सुरनसाई में भी आती है इसे सुरन इसे सहीबन हब्बान में भी रिवायत किया गया है इमाम हाकिम इसे अल मुस्तदरक में भी रिवायत करते हैं इमाम गजाली इसे हयालूम में भी रिवायत करते हैं और अलजाम और सही की हदीस नंबर पांच तो तमाम रूहें बाहम मुजतम थी याद रख तमाम रूहें बाहम मुजतम थी उस वक्त तारफ था उनमें उल्फत हो गई और जो उस वक्त अजनबी थी वो फिर मुख्तलिफ रही सही मुस्लिम और सही बुखारी की अलखुदाई भी करते हैं सही अपने बान में भी आती है इमाम तबरानी भी से रवायत करते हैं तारीख बगदाद हिलियलाउलिया कई कुतुब हदीस में रवायत आती है अलामा शेख कुरतुबी फरमाते हैं कि हजूर सल्लाम की एशाद की तस्वीर यह की गई है कि सोने वालों की रूहें और रूहें मुलाकात किया कर इसके अलावा इस हदीस की और भी तफसीरें की गई एक तफसीर तो यह अजनबी थी वो मुख्तलिफ रही वो एक दूसरे से तारुफ नहीं था तो वो एक दूसरे से जुदा रही तो अब एक इसकी एक्सप्लेन क्या हो गई की जब इंसान रात को सोता है तो रूह के दो टुकड़े होते हैं इसको बड़ी एक्सप्लेन कर चुका हूं बड़ी तफस में एक टुकड़ा जिसम के साथ रहता है एक टुकड़ा जाता है वहां जहां इसकी बाकी अरवा से ख्वाब में मुलाकात हो सकती है तो अरवाह की आपस में मुलाकातें होती हैं अच्छा आ जाए अब इसकी और तफासिर की तरफ अलरवाह मुजन्नदा इसका क्या माना है कि तमाम रूहें रूह है जिनका उस वक्त तारुफ था उनमें उल्फत हो गई और जो उस वक्त थी वो मुख्तलिफ रही तो तारुफ का क्या मतलब है तारुफ का मतलब एक तो यह बाजिली सिफात में तनासब और तशाबो था यानी हम आहंगी थी कॉमनेलिटीज थी या माना यह है कि अल्लाह ने आलम अरवाह में हर रूह को दूसरी रूह की खसूसियात बता दी थी इस रूह की एक खसूस हर एक की क्वालिटी के बारे में दूसरे को बता दिया या यह माना है कि अल्लाह ने तमाम रूहों को इज्तमी तौर पर पैदा फरमाया फिर इनको मुख्तलिफ जिसमों में मुतफरक दिया बांट दिया हर एक को एक अलग जिसम अदा कर दिया फिर जिस शख्स की रूह उसके जिसम के मवाफ हो गई वो रू उस जिसम से मोहब्बत करती है और जिस शख्स की रूह इसके जिसम के नामवाफ होती है वो इससे मुतनफिर होती तो रूह और जिसम का एक मिलाप है या नहीं है बाद ने इसकी ये तफसर भी बयान की मुख्तलि रख रहा हूँ मैं आपके सामने ताकि आप किसी एक तफसर पे ना बैठ जाए कि उस पर बहस शुरू कर दी मुख्तफ मुख्तलिफ मुख्तलिफ ने मुख्तलि खत्म बयान करते हैं बहसी रूह के तो एक दूसरे से मुतफक है लेकिन न और शख्स के एतबार से एक दूसरे से मुख्तलि बस जिन रूहों की सिफात आलम अरवा में एक दूसरे के मवाफ थी वो एक दूसरे से मानूस थी और प्यार करती थी और उनके साथ रहती थी और जिन रूहों की सिफात एक दूसरे के मुखालिफ थी और मुबाइन थी वो रूहें आलम अरवा में दूसरी रूहों से अलग रहे और फिर इसे गुलाम रसूल सईदी साहब रहमत रसूल सईदी सही मुस्लिम में इसकी शरा बयान की है और कई अकवाल को एक जगह उन्होंने जमा किया है तो उम्मीद करता हूं इससे आप लोगों के जहन में जो मुख्तलि सवाल थे उनके जवाब आपको मिल गए होंगे असलाम्कम वरहतल व